हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूँ आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहाँ आज अपन चर्चा करेंगे। अपना लेसन 6 चल रहा था, उसका पार्ट 2 में अपलोड कर रहा हूँ। पहले पार्ट में अपन ने मुख्य 2 रोगों के बारे में पढ़ा था। अब उसी से आगे आज अपन पढ़ेंगे कपास का मलानी रोग, कॉटन विल्ट, और मूंगफली का जो पर्ण भित्ती टिक्का रोग होता है, यानी कि लीफ स्पॉट ऑफ और टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वीडियो देख सकते हो, या अपने चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो इस पार्ट के अलावा मैंने तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया है, तो वह भी आप लोग वहाँ देख सकते हो। और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहूँगा, पार्ट फर्स्ट के नोट्स वगैरह अगर बना लिए हैं तो वह अपने ग्रुप में ज़रूर मेरे को भेजिए और दिखाइए कि नोट्स कैसे बने। तो आज अपन चालू करते हैं कपास का मलानी रोग। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, जो अपना रोग है कपास का मलानी रोग, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस रोग को मुरझान या उकटा के नाम से भी जानते हैं, मुरझान या उकटा के नाम से भी जाना जाता है, और कपास उगाए जाने वाले सभी देशों में यह रोग पाया जाता है। यह रोग काली मिट्टी में ज़्यादा उग्र रूप से उत्पन्न होता है, यानी काली मिट्टी में अपन मानते हैं रोग का प्रकोप क्या होता है, ज़्यादा होता है, और यह लगभग सभी देशों में पाया जाता है। इसे मुरझान या उकटा के नाम से जानते हैं। फिर आगे अपन लिखेंगे इसके लक्षण। तो लक्षण देखिए क्या क्या होते हैं, इसके मुख्य लक्षण की अगर बात करें तो खेत में यह रोग छोटी छोटी जगह पर प्रकट होता है। खेत में पर्याप्त नमी होने के बावजूद पौधों का हरे के हरे ही मुरझा जाना उकटा रोग का प्राथमिक लक्षण होता है, यानी दिखने में हरे होते हैं लेकिन मुरझा जाते हैं, ये इस रोग का मुख्य लक्षण माना जाता है। इसके अलावा पत्तियां जो होती है वह पीली पड़कर मुरझाने लगती है और सूखने लग जाती है, और धीरे धीरे अपन मानते हैं कि हरा पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। अब जो रोगी पौधा होगा इसमें यह रोग है, तो रोगी पौधों की जड़ों के जाइलम वाहिकाओं का अवरुद्ध होना तथा जड़ों की छाल हटाकर देखने पर मेलानिन जो वर्णक होता है, उसके कारण भूरे या काले रंग की धारियां दिखाई देना कवक जनित उकटा रोग की पुष्टि करता है। निकाले रंग की धारियां दिखाई देती है, जाइलम वगैरह छाल हटाकर अपने देखते हैं, और इस जो कवक जनित उकटा रोग की क्या करता है, पुष्टि करता है। अब देखिए, इसमें ये कुछ डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम इसकी मुरझान अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। फिर अपन देखेंगे कि नीचे जो डायग्राम है ये जाइलम वाहिकाओं में जो भूरापन आ जाता है उसे प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो डायग्राम है ये अपन देखेंगे कि जो कपास का मलानी रोग का जो रोगजनक होता है उसे यह प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड वाला डायग्राम तो नहीं बनाना है, लेकिन जो ये डायग्राम है थर्ड वाला, ये डायग्राम आप लोग ज़रूर से बनाएंगे कपास का मलानी रोग वाला। तो इसमें देखिए, कपास के मलानी रोग के डायग्राम, ये क्या होता है, कवक जाल दिखाया गया है यहाँ पर, ये लघु कोनिडिया, ये गुरु कोनिडिया और क्लेमाइडो बीजाणु होते हैं। तो ये डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है। अब आगे अपन चर्चा करेंगे इसका जो रोगजनक होता है वह देखिए क्या होता है। इसका जो रोगजनक होता है यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, स्पीसी जाती है इसे, जिसे शॉर्ट में लिखा है फासे, और स्पे का मतलब होता है स्पीसीज, यानी कि जाति। फिर वाइनफेक्ट्रम नामक कवक से होता है। तो अपने भी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फिर शॉर्ट में फा, स्पेस का मतलब होता है स्पेसीज यानी जाति, फिर वास इन्फेक्ट्स नामक कवक से होता है। यह कवक मुख्य रूप से, यह जो कवक होता है यह मुख्य रूप से मृदा जनित होता है, लेकिन बीज जनित होने के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। कवक के जो कोनिडिया और क्लेमाइडो बीजाणु मृदा में अंकुरण करके जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, संक्रमण करने का कार्य करते हैं। मृदा जनित यानी मृदा के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन बीज जनित भी इसे माना गया, यानी बीजों के अंदर भी इसके प्रमाण देखने को मिले हैं। अब प्रबंधन की अगर अपन बात करते हैं, प्रबंधन
तो सबसे पहले शस्य प्रबंधन, इसमें देखिए स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज ही अपने को काम में लेने चाहिए। इस बीज का अगर रोकथाम करना है तो स्वस्थ एवं जो प्रमाणित बीज हैं लेबोरेटरी के द्वारा प्रमाणित उन्हें काम में लेना चाहिए। अपरपोषी फसलें जो होती है अपरपोषी फसलों के साथ लंबा फसल चक्र अपनाना चाहिए। अपरपोषी जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती है उनके साथ में लंबा फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। तो ये तो होता है इसका शस्य प्रबंधन। इसके बाद में आगे शस्य प्रबंधन देखिए तो रोग प्रभावित खेत से फसल अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोग प्रभावित जो खेत होता है उसे फसल अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए और गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गर्मी के दिनों में खेत की जुताई कर देनी चाहिए और मृदा का सौर्यीकरण करना चाहिए, मृदा का सौर्यीकरण करना चाहिए। इसके अलावा अपन देखें तो खेत में नाइट्रोजन, पोटास तथा जिंक नामक पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का प्रयोग भी करना चाहिए। नाइट्रोजन, पोटास और जिंक नामक पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके रासायनिक प्रबंधन की अगर अपन बात करें तो वह देखिए फर्स्ट कार्बेंडाजीम 0.1%, कवकनाशी से बीज उपचार करना चाहिए तथा इसी कवकनाशी की आवश्यकता पड़ने पर खड़ी फसल में ड्रेचिंग भी करनी चाहिए। यानी कि अपन कहते हैं कार्बेंडाजीम है यहाँ पर अपन देखेंगे रासायनिक प्रबंधन में जो कार्बेंडाजीम है 0.1% कवकनाशी से बीज उपचार तो करना चाहिए तथा इसी कवकनाशी का आवश्यकता पड़ने पर खड़ी फसल में ड्रेचिंग भी करना चाहिए। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इसका उपयोग छिड़काव वगैरह में भी अपन कर सकते हैं। फिर इसके जैविक प्रबंधन की अगर अपन बात करते हैं तो जैविक प्रबंधन में देखिए कि ट्राइकोडर्मा कल्चर से बुआई के पहले भूमि उपचार 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर तथा बुआई के समय जो बीज उपचार होता है वह 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज कर बुआई करना चाहिए। फिर रोगरोधी जो किस्में जैसे जयादर, जरीला, मोती, एलडी 694, 694 विजय तथा वेरूम का उपयोग भी करना चाहिए। तो ये था अपने कपास का मलानी रोग जो एक छोटा सा रोग दे रखा है। तो इसके बारे में अच्छे प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, नोट्स इसके बनाने हैं, जिसमें पहले तो अपन इसके मुरझाने या उगटा के नाम से जान जाते ये लिखेंगे, फिर लक्षण आ जाएगा, फिर इसका डायग्राम बताया था गय वाला डायग्राम जो रोगजनक का, फिर रोगजनक आ गया और फिर प्रबंधन, इतना ही दे रखा है। अब जो चौथा जो रोग है वह अपने दे रखा है मूंगफली का पर्णचित्ती या जो टिक्का रोग होता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, वह देखिए क्या होता है। तो इसमें देखिए मूंगफली का यह एक खतरनाक रोग होता है जिसको मूंगफली उत्पादक सभी देशों में देखा गया है। इस रोग के कारण पत्तियों पर अधिक धब्बे बनने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और फलियां कम व छोटी बनती है जिससे उपज में 20-25% की कमी भी आ जाती है। तो देखिए इस रोग में क्या होता है, ये अपन कहते हैं मूंगफली में होने वाला रोग होता है, पत्तियों पर धब्बे बन जाएंगे जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है उसमें अवरूपता उत्पन्न हो जाती है। इसके फलस्वरूप पौधे क्या होते हैं धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएंगे क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी होगी तो पोषण वगैरह कम मिलेगा, एनर्जी नहीं रहेगी, इसलिए वह कमजोर होने लग जाएंगे, फलियां कम लगेगी, छोटी बनेगी जिससे उपज भी प्रभावित होती है और उपज में 20-25% की क्या जाएगी कमी आ जाएगी। फिर आगे अपन देखते हैं इसके लक्षणों की बात की, लक्षण क्या क्या होते हैं इस रोग के। तो रोग प्रकट होने के समय के आधार पर लक्षणों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो अगेती पत्ती धब्बा रोग और दूसरा होता है पछेती पत्ती धब्बा रोग। अगेती और जो पछेती पत्ती धब्बा रोग होते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर एक तुलनात्मक विवरण बात करेंगे, एक सारणी में समझाया गया है कि क्या होते हैं अगेती और पछेती पत्ती धब्बा रोग। तो इस प्रकार से आप भी एक सारणी बनाएंगे तो पहले गुण तो देखेंगे अपन धब्बे उत्पन्न होने का समय। अब जो अगेती पत्ती धब्बा रोग होता है उसमें देखिए इस रोग में धब्बे 3-4 सप्ताह के पौधों पर प्रकट हो जाते हैं और धब्बे जल्दी प्रकट होने के कारण इसे क्या कहते हैं अगेती धब्बा रोग कहते हैं। अगेती यानी आगे, आगे यानी जल्दी, तो जल्दी धब्बे प्रकट हो जाते हैं इसलिए इसे अगेती पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। जबकि जो पछेती धब्बा रोग होता है उसमें देखिए 6-8 सप्ताह के पौधों पर प्रकट होते हैं
जो अगेती वाले 3 से 4 सप्ताह के पौधों पर प्रकट हो रहे थे, ये 6 से 8 सप्ताह के पौधों पर प्रकट होते हैं, और इसी कारण इन्हें पछेती पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं। ये तो पहले गुण के आधार पर धब्बा उत्पन्न करने का समय। फिर धब्बों का आकार कैसा होता है? अगेती पत्ती धब्बा रोग में अपन देखेंगे जो धब्बे होंगे वह कैसे होंगे, अनियमित आकार के होते हैं, जबकि पछेती पत्ती धब्बा रोग जो होता है उसमें सामान्यतः धब्बे कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। फिर तीसरा जो गुण दे रखा है वह धब्बों का रंग और पीला घेरा, उसके आधार पर देखिए अगेती पत्ती धब्बा रोग में कि पत्ती की ऊपरी सतह पर लाल भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं जो पीले घेरे से घिरे होते हैं, यानी पत्ती की ऊपरी सतह पर लाल भूरे से काले रंग के धब्बे बनेंगे जो पीले घेरे से घिरे हुए होते हैं। फिर इधर देखेंगे पछेती पत्ती धब्बा रोग में कि पत्ती की सतह पर गहरे भूरे से काले रंग के धब्बे बन जाते हैं जिनके चारों ओर पीला घेरा नहीं होता है, इनके चारों ओर अपन देखेंगे कि पीला घेरा दिखाई नहीं देगा। फिर अपन देखेंगे कि जो धब्बों की जो संख्या तथा उनका आकार होगा, तो वह देखिए धब्बे क्या होंगे, कम होंगे तथा आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। किसमें, अगेती पत्ती धब्बा रोग में धब्बे कम तथा आकार में बड़े होते हैं और इनका व्यास 1 से 10 mm तक होता है। पछेती पत्ती धब्बा रोग में जो धब्बे होंगे अधिक होंगे तथा छोटे होते हैं और व्यास अपन माने तो 1 से 6 mm तक इनका व्यास माना जाता है। तो ये तो देखा धब्बों की संख्या और आकार के आधार पर। आगे अपन देखेंगे इसका हानिकारक प्रभाव। तो हानिकारक प्रभाव में अपन देखेंगे कि तो अगेती पत्ती धब्बा रोग होता है ये क्या होता है, कम हानिकारक होता है, जबकि जो पछेती पत्ती धब्बा रोग होता है ये अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि धब्बे ज़्यादा बनते हैं और तीव्र गति से भी बनते हैं, इसलिए ज़्यादा हानिकारक होता है। फिर अगर देखेंगे रोगजनक कवक के, इनका रोगजनक कवक, तो अगेती पत्ती धब्बा रोग होता है उसका जो रोगजनक होता है वो होता है सार्कोस्पोरा अरेकिडिकोला होता है, और अगर देखें पछेती पत्ती धब्बा रोग तो इसका सार्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम होता है। तो ये सारणी के द्वारा अगेती पत्ती धब्बा रोग और पछेती पत्ती धब्बा रोग को अपन आसानी से समझ सकते हैं। इस सारणी को बहुत ही साफ सुथरी आपको नोट्स में बनानी है। अब देखिए डायग्राम में यहाँ पर दिखाया भी गया है, पहला जो डायग्राम है वह किसे प्रदर्शित कर रहा है, अगेती पत्ती धब्बा रोग को, जिसमें अपन कह रहे हैं कि जो धब्बे बन रहे हैं देखो कम संख्या में बन रहे हैं अपने को प्रदर्शित हो रहे हैं। दूसरा जो पछेती पत्ती धब्बा रोग है इसमें देखिए धब्बे बहुत ही ज़्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हैं। अब इसका जो अपन देखेंगे कि जो रोगजनक होता है पर्णचट्टा रोग है, उसमें अपन देखेंगे इसे रोग का क्या दे रखा है, ये यहाँ पर डायग्राम भी प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोगों को फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो तीनों डायग्राम दे रखे हैं ये तीनों डायग्राम बनाने, पहले डायग्राम में धब्बे वगैरह कम दिखाने, दूसरे में धब्बे ज़्यादा दिखाने, और तीसरे का जो डायग्राम है रोगजनक का ये डायग्राम बिल्कुल साफ सुथरा आप लोगों को बनाना है। जो टीका रोग का डायग्राम है जिसमें गुरु कोनिडिया है, लघु कोनिडिया, कोनिडिया दर, इन सबको अपने को अच्छी तरह से प्रदर्शित करना है। तो ये तीनों डायग्राम आपको बनाने। फिर आगे देखिए इसका जो रोगजनक आता है जो अभी अपन ने देखा, यह रोग सार्कोस्पोरा एरिकिडिकोला व सार्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम नामक बीज व मृदा जनित कवक से होता है। यानी कवक का नाम है, ये क्या होता है, बीज जनित भी होता है और मृदा जनित भी होता है। अब इस कवक के कोनिडियम भूमि से पत्तियों पर पहुंचकर क्या करते हैं, संक्रमण करने का कार्य करते हैं। यानी मृदा जनित है, मृदा में रहता है, और बीज जनित है तो बीज में भी ये निवास करता है, तो वहाँ से ये पत्तियों में पहुंचकर क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रबंधन की, तो इनका प्रबंधन देखिए कैसा होता है। प्रबंधन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले प्रबंधन में आता है सस्य प्रबंधन। तो सस्य प्रबंधन में देखिए हमेशा स्वस्थ और प्रमाणित बीज ही काम में लेना चाहिए, स्वस्थ और प्रमाणित बीज काम में लेने चाहिए। दूसरी देखें तो सिंचाई की सुविधा होने पर जून या इससे पहले अगेती बुआई करनी चाहिए। यानी सिंचाई की अगर पूरी सुविधा अपने पास है, पानी वगैरह, तो अपने को समय से पहले ही क्या करनी चाहिए कि फसल की बुआई कर देनी चाहिए, या तो जून में या जून से पहले बुआई कर देनी चाहिए मूंगफली की। फिर ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जो है वह
दो तीन साल का फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। एक तो ग्रीष्म काल में गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिसके कारण से कवक वगैरह क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, टेम्परेचर के प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं। और दो तीन साल का अपने को क्या अपनाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। तो ये तो होता है शस्य प्रबंधन। इसके बाद में अपन इसका रासायनिक प्रबंधन देखते हैं। तो रासायनिक प्रबंधन देखिए, इसका फर्स्ट थायरम या केप्टोन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज से बीज उपचार करके बुआई करनी चाहिए। थायरम या केप्टोन जो 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज से बीजोपचार या बुआई करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर देखें अपन इसका रासायनिक प्रबंधन, तो खड़ी फसल में रोग दिखाई देते ही कार्बेंडाजीम 0.1% या हेग्जा कोनाजोल 0.2% या क्लोरो थेलोनिल 0.2% या पायरा क्लोस्ट्रोबिन 0.1% का 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार क्या करना चाहिए, छिड़काव अवश्य करना चाहिए। ये इसका रासायनिक प्रबंधन माना जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके जैविक प्रबंधन की। तो जैविक प्रबंधन में देखो क्या होता है कि स्यूडोमोनास फ्लोरसेंस एवं ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा बीज उपचार व पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। स्यूडोमोनास फ्लोरसेंस एवं ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा बीजों का उपचार करना चाहिए और पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए। इसकी रोगरोधी किस्में जैसे ICGS-10 VRI-3 का प्रयोग भी अपने को करना चाहिए। इन सभी का प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, इस रोग को रोक सकते हैं। तो इसके साथ ही अपना मूंगफली का जो यह रोग है यह भी क्या होता है, समाप्त होता है। मूंगफली का यह रोग भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो आज के वीडियो के अच्छे प्रकार से आप लोगों को क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं और उन्हें याद भी करना है। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो ग्रुप में या कमेंट्स में मेरे से आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो करना ही है, ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए। इसे शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इसलिए एजी बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स आपकी नज़र में, सबके पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और जो चैनल पर पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं एजी बायोलॉजी के साथ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैंने उनका लिंक दिया हुआ है। और या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं इन वीडियो को शेयर ज़रूर करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।